16 अगस्त रानी अवंती बाई की जन्म जयंती के उपलक्ष में ग्राम बाकी, गंगरुआ, जुजारपुर, दुकली, सोनडोंगरी एवं अन्य ग्रामों से निकाली गई शहीद अवंती तिरंगा यात्रा, जो 1 बजे रानी अवंती बाई के जन्म स्थान ग्राम मनखेड़ी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर मनाई गई और लोधी समाज के वरिष्ठ नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और सभी साथियों के द्वारा निकाली गई अवंती यात्रा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ की गई। यात्रा का स्वागत सम्मान ग्राम बनखेड़ी में शिवनी के बाकी, गंगरुआ, जुजारपुर के साथियों द्वारा किया गया और पुनः यात्रा के साथ बालपुर, डिंडोरी के लिए रवाना हुए। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। हमारी लोधी अवंती बाई के जन्म उत्सव में हम लोग ग्राम मनखेड़ी पहुँचे हैं, जो कि रानी अवंती बाई का जन्म स्थान है। हम शिवनी जिले के ग्राम बाकी, गंगेरुआ, जुझारपुर, दुकली, सोना डोंगरी और अन्य साथी यहाँ मौजूद हैं। रानी अवंती बाई की शहीद यात्रा जो कि भोपाल से कल प्रारंभ हो गई है, जो रायसेन नरसिंहपुर होते हुए जबलपुर आएगी। जबलपुर से ग्राम मनखेड़ी में स्वागत होगा। ग्राम मनखेड़ी के बाद में डिंडोरी में जाकर उसका समापन होगा। इस यात्रा में हमारे वरिष्ठ नेता, विधायक और लोधी समाज के वरिष्ठ व्यक्ति भी शामिल हैं। उन सभी का हम लोग यहाँ पर स्वागत करेंगे। सिवनी ज़िले के युवाओं में एक जोश भरा हुआ है, क्योंकि रानी अवंती बाई का जन्म सिवनी ज़िले के ग्राम मनखेड़ी के अंतर्गत हुआ था, इसलिए सिवनी का एक गौरव की बात है हमारे लिए। हम सभी साथी उनका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अवंती, जय लोधी। अवंती बाई अमर रहे। अवंती बाई अमर रहे। अरे ये तरफ भी लगवाने हैं, घर में ये तरफ भी बजवाओ, ये तरफ भी, ये तरफ भी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।